अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर आपकी मोटराइज डिश में एक फॉल्ट है जिसको वैसे तो साउथ एक्सेस के सही पोजीशन में ना होने की वजह से ये फॉल्ट आता है, मतलब डिश जो है ना जो साउथ के करीब तो पहुंच जाती है लेकिन एग्जैक्ट साउथ लोकेशन पर नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से जो फॉल्ट हमें मतलब सामने आते हैं, तो उस पर मैं बात कर रहा हूं आज आपको। एक तरीका भी है, वैसे तो इसके दो तीन तरीके हैं सेट करने के, बहरहाल मैं उन सब पर बात कर लेता हूं आज। तो ये देखें, अभी मेरे पास 36 डिग्री लगी हुई है, ये देखें सिग्नल बढ़ रहे हैं। मैंने इसको डिश को ऊपर वाली साइड से खींचा है या किसी भी साइड से खींचने पर से सिग्नल बढ़ जाते हैं, या थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये डिश का जो मदार जिस पर डिश पे गर्दिश कर रही है और जो सेटेलाइट्स का मदार है ना वो बराबर नहीं आ रहा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कहाँ से, ये देखें ये डिश, ये मोटर, यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ तो सिग्नल मेरे पास 100 सिग्नल, यानी कि जो इसके मैक्सिमम सिग्नल है ना तो वो मुझे यहाँ पर खींचने से मिलते हैं। हर सेटेलाइट पे ऐसे हो रहा है। अभी मैं आपको एक और सेटेलाइट दिखा देता हूँ, ये 36 है, तो अभी मैं इसको 26 की, ये मसला जो है ना वो वीक टीपी पे ज्यादा फेस करना पड़ता है। ये एमबीसी वाली पे टीपी है, मैं इसको लगा रहा हूँ, सिग्नल देख रहे हैं 48%, और मैं इसको बिल्कुल वहीं से हाथ से मैंने खींचा तो सिग्नल बढ़ गए, 55 हो गए। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको मसले को हल कैसे करना होता है। तो ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से आप इस काबले को ढीला करके यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये घुमाने से इस तरफ या इस तरफ को करने से आपको जहाँ से मतलब ज्यादा मिले आप वहीं पे इसको टाइट कर देंगे, या फिर यहाँ से हो जाए तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से इसको लूज करके ना डिश को यहाँ से ऊपर करना पड़ता है। जब ज्यादा फॉल्ट होता है तो मतलब ज्यादा खींचना पड़ता है तो यहाँ से हमें सेट करना पड़ता है। जब फर्क बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा खींचना पड़ता है, बहुत ज्यादा अगर हल्का सा मसला आ रहा हो और यहाँ से क्लियर ना हो रहा तो यहाँ से क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पर ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि मैंने काफी वीडियोज में देखा है जो इंटरनेशनल लोग हैं रशिया वगैरह के या जर्मनी में या जिस तरह दूसरे कंट्रीज में ऐसे लगी हुई हैं, तो वहाँ ऐसा सिस्टम है कि इसे मतलब कि ये जो होल्डर है, होल्डर और इस रॉड के दरमियान एक काबला होता है, सुराख होता है, उसके अंदर वो काबला लगा देते हैं तो वो ये मसला हल हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अब प्रॉब्लम हमें यही आ रही है कि हम इसको जीरो पे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो जिसका वेट बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा फर्क रह जाता है, क्योंकि इंसान की आंख जो है ना वो धोखा खा जाती है, तो थोड़ा सा फर्क अब यहाँ पे महसूस हो रहा है, डिश को इस चीज का असर हो रहा है। तो बस एक ये तरीका था, और दूसरा तरीका मैं आपको रिसीवर में बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप इस 26 यहाँ पे देखें, ये 26.0 है ना, आपने इसकी डिग्री को इशारिया में मतलब के 26.3 या 25.8 इसको आप सेट करेंगे,
इसकी डिग्री को चेंज करेंगे तो भी सेट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 26 के लिए सेट होगा। इसी तरह अगर आप कोई और सेटेलाइट लगाएंगे तो वो भी आपको उसकी डिग्री भी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब जितना फर्क इधर डालना पड़ेगा उसमें भी इतना फर्क आपको डिग्री में डालना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका है जो रिसीवर के अंदर ही हो सकता है, वो यही है कि आप बार बार डिग्री की वैल्यू चेंज ना करें। तो मेरे पास अभी मैं इसको माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ तो रिमोट से, तो ये देखें यहाँ पे जो वैल्यूज है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू, इसको हम एडिट करके थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले वैसे इसको मैंने नहीं छेड़ना लॉन्गिट्यूड को, मैं कोशिश करता हूँ इस लैटिट्यूड को चेंज करने की, और मुझे लगता है कि लैटिट्यूड वैल्यू को हम थोड़ा सा अप डाउन करें, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना वो हर सेटेलाइट के लिए आ रहा है। हर सेटेलाइट के लिए जो प्रॉब्लम आता है तो हम लैटिट्यूड वैल्यू को सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एडिट करके इसको मैं कर रहा हूँ, वैसे अभी 29 है मेरी, सर मैं इसको 25 कर रहा हूँ, 25 पे करके मैंने ग्रो किया, सिग्नल मजीद ख़त्म हो गए बल्कि। तो मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 29 से ऊपर, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। हाँ जी देखिए 50 से थोड़े स्टेबल हो गए हैं, बहरहाल जो ऊपर हो गए हैं। अभी भी इसको चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से, इस 35 को मैं 38 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 55 हो गए, 57 हो गए, 53 हो गए। एक दफा इसको मैं 40 करके चेक करता हूँ, कम हो गए सिग्नल, 51-53 हो रहे हैं, बस पहले वो 53 पर स्टेबल थे। तो मैं वैसे इसको 37 ही कर देता हूँ, या फिर 38 कर देता हूँ बल्कि। तो एक ये तरीका था कि हम अब हमें अभी मैं आपको 36 लगा के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से वैल्यू चेंज की है, तो 36 का क्या बना है वो भी देख लेते हैं। उसके पहले सिग्नल थे मेरे ख्याल से 95 थे, अभी देखें उसके 100 हो गए, 98 या 100। इसको मजीद यहाँ से सेट करने की कोशिश कर लेते हैं एक दफा फिर से, 35 करके देखते हैं इधर, 35 मैंने पहले सेट लगाया सिग्नल, अब इस पे रुक गए 100 पे, पहले 98-100 हो रहे थे, 26 को लगा के देखते हैं कि वहाँ क्या बना है। मैं इसको गो पे क्लिक कर देता हूँ, जिस पॉइंट है और इतने में मैं यहाँ पर टीपी फाइंड कर लेता हूँ। देखें अभी मेरे ख्याल से ये 35 पे ठीक है, क्योंकि यह सिग्नल अब है, या 37 जैसे भी, बरल ये एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।